हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेसिकली अपने डेस्कटॉप पे पाइथन इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि हम कुछ मैजिकल सा कर पाएँ अपने कोड के थ्रू। एज ऑफ हमारा मेन मुद्दा तो क्या है, प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और टाइप करता हूँ पाइथन। लेट्स सी, सबसे पहला लिंक होपफुली पाइथन का आएगा। एंड एज ऑफ आई टोल्ड, सबसे पहला वाला जो लिंक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेलकम टू पाइथन डॉट ऑर्ग। सो इसको मैं बिना किसी देरी के ओपन कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पे एक डाउनलोड्स के नाम से एक सेक्शन दिख रहा होगा, जिसमें आपको विंडोज़, मैकओएस, अगर आपका विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप विंडोज़ वाला सेक्शन देख लीजिए, अगर आप मैकओएस यूज़ करते हैं तो मैकओएस। विंडोज़ पे जैसे आप होवर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, और इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.8.3। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। ये देखिए, स्टार्ट डाउनलोड दिखा रहा है। एज ऑफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा और अपने ब्राउज़र को कर दूँगा कट, और उस लोकेशन को खोलूँगा जहाँ पे मेरी फ़ाइल जो है स्टोर्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरी पाइथन वाली फ़ाइल जो है स्टोर्ड है। तो क्या करूँगा, मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसे ओपन कर लूँगा। तो जब आप इसे ओपन करेंगे, आपके पास कुछ अलग सा इंटरफेस आएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मेरे को तीन अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा है। पहला ऑप्शन जो है वो है मॉडिफाई, दूसरा ऑप्शन जो है वो है रिपेयर, तीसरा ऑप्शन जो है वो है अनइंस्टॉल। तो मैं आपके, जब आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी कमांड्स दिखेंगी, या आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे कुछ क्लिक्स करने को बोलेगा। आप सारे क्लिक्स को ध्यान से कर लेना, और जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आपका जो जो CMD से जो आप पाइथन जो रन करेंगे वो रन नहीं होगा, वो अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड बताएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलिए मैं डायरेक्टरी को क्लोज़ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में पाइथन दिखेगा कैसे। चलिए चले जाते हैं अपने पी वाले सेक्शन पे, और ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको पाइथन 3.7, आपके में 3.8 दिखाएगा अपडेटेड वर्जन। यहाँ पे जो है तीन अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है IDLE, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दूसरा दिखा रहा है पाइथन, ये बेसिकली एक शेल है। और तीसरा जो दिखा रहा है वो एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है मॉड्यूल्स को लेकर। तो हमारा जो मेन काम है वो इन दोनों से है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दूसरा जो है शेल से। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपका पाइथन इंस्टॉल्ड हुआ है प्रॉपरली या नहीं हुआ, तो आप इसको बेसिकली CMD के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है CMD और यहाँ पे आ जाएगा आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है पाइथन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो है कुछ ऐसा कमांड आ जाएगा। चलिए हम इसमें एक छोटी सी कमांड, हेल्प वाली कमांड को रन करके देखते हैं वर्किंग है या नहीं। हाँ बिल्कुल वर्किंग है। ये देखिए हमारे पास कुछ ऐसा सा लिख के आ गया है, वेलकम टू पाइथन 3.7 हेल्प यूटिलिटी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो है पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं आता या फिर आपके पास एरर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चले जाना है अपनी डायरेक्टरी में, यानी कि माई कंप्यूटर में, और दिस PC पे क्लिक करके आपको चले जाना है डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ में। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे, यहाँ पे आपके पास एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें लेफ्ट साइड की ओर लिखा हुआ आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आपको कर देना उस पर क्लिक, एक और पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे ही आपको क्लिक करना है, हमारा काम उसी से है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पाथ, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन 3.7.3.2 समथिंग करके। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल में वो लोकेशन स्टोर्ड है जहाँ पे जो है मेरी पाइथन के फाइल्स जो हैं, ठीक है। तो ये एरर इसी वजह से आ रहा था क्योंकि ये जो पाथ है यहाँ पे एडिट नहीं था, ठीक है। मेरा एडिट है इसलिए मेरे में एरर नहीं आ रहा। अगर आपके में एडिट नहीं है तो प्लीज़ फॉर श्योर इसे चेक कर लीजिएगा और इसे ऐड कर दीजिएगा।
अब चलिए मैं इसे ओके ओके करके कट कर देता हूँ, इसको प्रॉपर्टीज को कट कर देता हूँ। तो चलिए हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं करता, जिसके लिए मैं खोल लूँगा अपना IDLE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो बेसिकली एक टाइप का कोड एडिटर है जहाँ पे आप अपने उसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फाइल जैसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो है एक कमांड है न्यू फाइल, तो हम इस पर कर देते हैं एन कंट्रोल एन की मदद से, या फिर उस पर आप मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं। और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का, जिसको मैं करूँगा प्रिंट डबल कोट्स, और इसके अंदर लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड। इसे कर देते हैं सेव, किसके नाम से, हेलो के नाम से, डेस्कटॉप पे कर देते हैं इसको सेव। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो है मैंने नेम तो लिख दिया, पर पाइथन का एक्सटेंशन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है पी डॉट डॉट पी वाई, सॉरी, तो डॉट पी वाई हमने लगा दिया। हम इसको कर देंगे सेव, पीछे वाली टर्मिनल को मैं काट देता हूँ और आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको एक रन नाम का एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है रन मॉड्यूल, आप इसको F5 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ दे ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। चलिए अब मैं इसको काट देता हूँ, ये देखिए। और मैंने आपके लिए ये पाइथन का कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी खोल के रखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।